हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रतन लाल। टूडे टॉपिक्स जैव प्रक्रम, 10th क्लास साइंस पाठ्य पुस्तक के U3 ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन फर्स्ट अराइजिस है हमारे पास कि हमारे जैसे बहुकोशी जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषरण क्यों अपर्याप्त है, विषरण पूरा क्यों नहीं है, पर्याप्त मात्रा में क्यों नहीं है। क्योंकि बहुकोशी जीव जैसे कि मनुष्य में शरीर का आकार बहुत ही बड़ा होता है, मनुष्य भी बहुकोशी जीव होता है तथा शरीर की संरचना जटिल होती है, इनकी संरचना बहुत जटिल होती है। बहुकोशी जीवों में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती, ये सीधे पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, इसलिए बहुकोशी जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विषरण पर्याप्त नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निवारण करने के लिए हमें किस किस मापदंड को अपनाना चाहिए। कोई वस्तु सजीव है, सजीव वस्तु जो वस्तु इसमें जीवन होता है, जो चलती है फिरती है, इसके निर्धारण के लिए मापदंड इस प्रकार है। सजीव वस्तु शारीरिक गतियां करती हैं, ये गतियां करती हैं, चलते हैं, घूमते फिरते हैं, दृश्य गतियां भी करती हैं, ये वस्तुओं को देखते भी हैं। नंबर दो, वृद्धि और विकास, इनमें वृद्धि भी होती है और विकास भी होता है। थर्ड पॉइंट है, सजीव वस्तुएं श्वसन भी करती हैं, मीन सांस भी लेती हैं। और फोर्थ पॉइंट है, जैसे पौधों की कोपल तथा हरे नए पत्तों में वृद्धि, ये भी सजीव वस्तुओं के लक्षण है। थैंक्स बॉय।